करेक्ट, बी ऑप्शन अजर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग, राइट। एंड सी ऑप्शन इज व्हाट बेटे, अजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। डी ऑप्शन, अजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। दिस दिस इज द सेटिंग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। शाबाश बेटा। इन द 13 ही सेज, आई एम रीडिंग द अजर्शन, प्लीज गेट रेडी। द आई लेंस एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस टू फोकस द इनकमिंग लाइट टू द रेटिना। यस ट्रू है अजर्शन। वाई बेटे? क्योंकि जो आई लेंस होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स या कनकेव? दैट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, राइट। सो उसको ये कन्वर्ज करेगा एक सिंगल पॉइंट पर। ओके, देन इज कन्वर्जिंग लेंसेज बेंड द लाइट रेज टुवर्ड्स अ कॉमन फोकल पॉइंट एंड द लेंस इन द आई परफॉर्म्स दिस फंक्शन टू क्रिएट ए फोकस्ड इमेज ऑन द रेटिना। ये भी सही है, रीजन भी सही हुआ, एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया, राइट। सो 13th का कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चे? ए ऑप्शन, राइट। कोई बच्चा मेरे को सारे सेक्शन, हाउ मेनी सेक्शंस? 5 सेक्शंस। इज देर एनी स्टूडेंट हु कैन कम ऑन द माइक एंड कैन टेल मी व्हाई कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस, ये फोकस क्यों करता है लाइट को सिंगल पॉइंट पर? व्हाई बताना बच्चे, डाइवर्ज क्यों नहीं कर देता, फोकस क्यों कर देता? एनी बॉडी इन द 5 सेक्शंस, एनी बॉडी इन द 5 सेक्शंस जो ये बताए कि लेंस कन्वर्ज क्यों करता है, डाइवर्ज क्यों नहीं, ये वाला कन्वेक्स लेंस। ये एक एडिशनल क्वेश्चन मेरे माइंड में ऐसे आ गया। सुनो बेटे, फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ योर नॉलेज लेट मी एक्सप्लेन इट। आप लोगों ने प्रिज्म का आर्टिकल पढ़ा हुआ है बच्चे। प्रिज्म के आर्टिकल में जब हम रे ऑफ लाइट डालते हैं ऐसे, तो एक रिफ्रैक्शन यहां पर होता है और एक रिफ्रैक्शन यहां पर होता है, एग्रीड? तो आपने देखा कि जो लाइट हमने इस तरह से थ्रो करा, दैट फाइनली वाइल कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म, वो बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस की तरफ बेंड हो गया, राइट। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है ये भी वर्टिकल स्टैक ऑफ प्रिज्म होता है। देखो, एक प्रिज्म ये पड़ा और ये एक उल्टा पड़ा नीचे को। ऊपर वाले प्रिज्म का बेस कौन सा हुआ? ये, जहां मार्कर टच है। नीचे वाले प्रिज्म का बेस ये हुआ। इसी तरह से अगर मैं एक ऐसा प्रिज्म ले लूं जिसका ऊपर वाला पोर्शन कट कर दूं, तो वो मेरे को ऐसा दिखेगा, लाइक सो दैट प्रिज्म इज लाइक प्लेस्ड हेयर, राइट। इसी तरह से एक प्रिज्म ये पोर्शन पड़े, तो जो भी लाइट आएगी वो प्रिज्म के बेस की तरफ जाएगी। अब देखो, एक मैं पैरेलल रे ऑफ लाइट डाली, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट प्रिज्म के बेस की तरफ झुकेगी। तो देखो ऐसे रिफ्रैक्शन, फिर ऐसे। इसी तरह से यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो नीचे वाले प्रिज्म के इस बेस की तरफ बेंड होएगी। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना, कन्वेक्स लेंस इज अ वर्टिकल स्टैक ऑफ प्रिज्म्स, राइट। अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि प्रिज्म में फेंकी हुई लाइट उसके बेस की तरफ क्यों जाती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने करना। तो अब ये दोनों चीजें आपस में लिंक हो जाएंगी। समझ आया बेटे? इफ हैव यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? शाबाश। एक तरफ तो जवाब देना ही है, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करना है, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये दो बच्चे फ्रंट पे बैठे हैं बेटे, अब जवाब नहीं दे रहे, अब चले जाओ मेरी क्लास। जो बच्चा कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा वो मेरी क्लास से चला जाए बेटे। ओके, डाउन। मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा इस बात का।
फोर्टींथ क्वेश्चन, फोर्टींथ क्वेश्चन, लेट्स मूव। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। बोलो बेटे, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं या कंकेव करते हैं मायोपिया को? हाँ जी बेटे, मायोपिया इज क्योर्ड बाय कंकेव लेंस, तो इसलिए अजर्शन में उसने कन्वेक्स लेंस गलत हो गया। रीजन, द फार साइटेड इंडिविजुअल्स हैव डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एंड कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग कमिंग लाइट टू ए सिंगल फोकस ऑन द रेटिना। ठीक है, ये अपने आप में ये रीजन स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फार साइटेड जो बंदे होते हैं उसका मतलब है उनकी दूर की नजर सही है, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे डिफिकल्टी करेंगे, तो अजर्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन बना बेटे? ये देखो, सो दिस बिकम्स डी ऑप्शन, राइट? यस और नो बेटे, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो लेट्स मूव टू दी 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शाबाश, अभी आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बाद मैं प्रिज्म का आर्टिकल कराने वाला हूँ आपको डिटेल में, ठीक है? कोई जो बच्चा ये सोचता होगा कि मेरे को वो आर्टिकल आता है, वो ईमानदारी से बताना बाद में कि उतना आता था या नहीं। सून वी आर गोइंग रीचिंग देयर। क्वेश्चन नंबर 15 बेटे, 15। लेंस इन द ह्यूमन आई चेंजेस द शेप टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। बोलो सही है और गलत? करेक्ट, क्योंकि इसी की इस खूबी को तो हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते थे। पावर ऑफ अकोमोडेशन सीलियरी मसल्स से बनती थी। फिर ये बोलता है, द आयरिस इन द फ्रंट ऑफ द लेंस कैन एडजस्ट द लेंस कर्वेचर विच अल्टर्स इट्स फोकल लेंथ। ना, जो आयरिस है वो तो प्यूपिल के ओपनिंग साइज को एडजस्ट करती है, ना कि लेंस के कर्वेचर को। तो रीजन इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन बना बेटे 15th का? सी ऑप्शन। गॉट इट? सो हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज रेज द प्रॉपर हैंड। हैव यू अंडरस्टूड 13, 14, 15 क्वेश्चंस? भाई ये बच्चे को तो बाहर भेजना पड़ेगा। कौन सा? ई सेक्शन में फ्रंट। चलो गुड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बेटे, पता है क्या है, मैं आप लोगों से बहुत दूर हूं, आपको हाथ से इंडिकेशन देना पड़ेगा। अगर मैं विद इन द क्लास होता तो टीचर को एकदम से बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि बच्चे को समझ आया या नहीं, अगर वो बोले भी ना। ठीक है, तो मेरे को इतनी दूर से तो आप बच्चों के एक्सप्रेशन नहीं देख कर सकते, इसलिए आपको हाथ से इंडिकेशन देना ही। अजर्शन 16th क्वेश्चन में, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। बोलो यस या नो बेटे? रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। कोई बच्चा कहता है, सर फिर हमें सीधा क्यों देखता है? सीधा उसको ऑप्टिक नर्व, जब ब्रेन ऑप्टिक नर्व मैसेज लेके जाती है इन्वर्टेड इमेज का ब्रेन तक, तो ब्रेन उसको सेटल करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड ही होता है। रीजन, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द आई लेंस। ये भी ठीक ठीक हुआ बेटे, ये ठीक है, राइट? लेकिन ये दोनों अपनी अलग अलग बातें हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली तो कोई बात नहीं, राइट बच्चे? सो इसमें 16th का हमारा बी ऑप्शन शुरू क्लियर हुआ। तो ये था बच्चे हमारा करेक्ट। अब हमने केस स्टडी करना है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 केस स्टडी, ठीक है? और इसके लिए मैं एक बच्चे को बुलाना चाहता हूं जो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, एंड द नेम इज परमिंदर, 10th ए। परमिंदर,
प्लीज कम ऑन द माइक. परमिंदर आर यू देयर? 10th है. हाँ जी बेटे, इसका स्टेटमेंट पढ़ो आप, केस स्टडी का. नोबडी इज कमिंग ऑन द माइक. ओके, 10th ए में सिमरन करके बच्चा है. सिमरन 10th है. सिमरन आ जाओ बेटे, माइक पे आओ और केस स्टडी का लैंग्वेज रीड करो अपने लिए. बाकी बच्चे भी पर्सनल लेवल पे स्टडी करें. Frank went to the optician to get his eyes checked. He observed that the doctor combined two lenses and put these in front of his eyes so that he could see clearly. The powers of the two lenses used in the combination were -3D and 4D. Correct. बैठो बेटे, शाबाश, प्लीज सिट डाउन. सो ये बंदा कह रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर पेशेंट है. He goes to the doctor, right बेटे? So doctor क्या करते हैं वहां पर, उसकी आईज के आगे अलग अलग लेंसेज लगा के रखता है, ठीक है? जैसे आईज की चेकिंग होती हो, किसी ने अगर चश्मा बनाने गया हो तो उसको पता होगा. तो जो उसने लेंसेज रखी, एक पावर है -3 डायोप्टर P1 और दूसरे लेंस का है 4 डायोप्टर, राइट? अब वो कहते हैं जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आप नीचे वाले क्वेश्चंस का जवाब बताओगे ये सारे, ठीक है बेटे? करें शुरू. सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए बेटे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना, ये कम बच्चों को पता होता है. अगर मेरे पास एक लेंस हो L1 और दूसरा लेंस हो L2, तो कोई बच्चा बोले सर दोनों कन्वेक्स होने चाहिए ना, चाहे दोनों कन्वेक्स हो, चाहे दोनों कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स कनकेव हो, चाहे कनकेव कन्वेक्स हो, कोई भी दो लेंस होने चाहिए और उनके बीच में एक्स गैप हो और इसकी फोकल लेंथ हो F2, इसकी फोकल लेंथ हो इंडिविजुअल लेवल पे F1. तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, उसकी फोकल लेंथ का, दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ ऐसे कैलकुलेट करते हैं. 1/F1, देखो 1/ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, 1/ फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, 1/ फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, माइनस गैप बिटवीन द टू लेंसेज, एंड हियर इट इज F1 F2. बहुत कम बच्चों को ये फार्मूला पता होता है, लेकिन 10th क्लास में 2 बार फाइनल पेपर में ये यूज हो चुका है, 2 बार हो ही चुका है, नोट कर लो अगर नहीं पता तो. अब सभी बच्चों को यह भी पता है कि पावर इज ऑलवेज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. इसका मतलब पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 + P2 - X P1 P2. इसी फार्मूले को लिखने का दूसरा तरीका, गॉट इट? अब यहां इंपॉर्टेंट यह है कि सर व्हाट हैपेंस जब ये दोनों लेंसेज आपस में टच कर जाए. तो याद रखना, इसके लिए याद रखना है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इफ बोथ लेंसेज टच ईच अदर, इफ बोथ लेंसेज टच ईच अदर बेटे, राइट? तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दोनों लेंसेज को आंख के आगे इतना पास पास रखता होता है कि दैट इज एज गुड एज टचिंग. तो वहां पर हमें एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा. तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा फिर, P1 + P2 - 0 P1 P2. तो जीरो खत्म होते ही दोनों पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, गॉट इट? अब हमें पेपर में दोनों पावर्स दे रखी है, सो पुट कर दो -3 डायोप्टर + 4 डायोप्टर, अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 1 डायोप्टर. ओके, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब पावर नेगेटिव होती है तो वो कनकेव लेंस होता है, जब पावर पॉजिटिव होती है तो वो कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना है ये भी, राइट? और हमारा कॉम्बिनेशन का इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव आई पावर. तो अल्टीमेटली दोनों का जो नेचर होएगा वो फोकसिंग की तरफ होएगा. अच्छा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट टाइप ऑफ लेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बी, ठीक है? देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्या होएगा, दो डाइवर्ज भी करते हैं, कन्वर्ज भी करते हैं, राइट?
यस और नो बेटे। सो हमारे पास सी ऑप्शन बन गया इसका, बोथ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, राइट। तो हमारे पास 17 के फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन बना बच्चे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ दीज विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। फोकल लेंथ बताना है इसका, तो कैसे करेंगे? लो अभी लो, फोकल लेंथ हम कैसे बताएंगे बेटे? फोकल लेंथ इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ पावर। तो पावर कितना निकला हमारा? 1। तो 1 डायोप्टर पुट करा तो फोकल लेंथ कितना हुआ? 1 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करा टीचर ने? बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन इन द सेंटीमीटर, नथिंग एल्स। ओके, तो 17th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हुआ? यू विल टेल, शाबाश। 17th क्वेश्चन के बी पार्ट का कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? कोई बोल ही नहीं रहा, जोर से बोलो ना, माइक तक पहुंचेगी आवाज। डी ऑप्शन शाबाश, 2nd क्वेश्चन का डी ऑप्शन हुआ बेटे, गुड। 3rd क्वेश्चन आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेगेटिव साइन इन द पावर -3 सिग्निफाई। बस बिल्कुल सही। अब -3 डायोप्टर का मतलब है कॉनकेव लेंस। द फोकस इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोकस इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, राइट। द प्रिंसिपल फोकस इज सिचुएटेड आउटसाइड द लेंस। द फोकल लेंथ ऑन वन साइड ऑफ द लेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द अदर। नीचे वाले दोनों तो बिल्कुल मूर्खों जैसे ऑप्शन है, बिल्कुल गलत हो गए। अब मैं बाकी दोनों ए और बी में आपको बताता हूँ। शाबाश बेटे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ। अभी वो कह रहा है, क्लियर योर अटेंशन, द फोकस -3 वाले को यूज करना बच्चे। देखो -3 वाला लेंस है तो नेचुरली He is talking about biconcave lens. आप सभी को पता बेटे, इधर अगर मैंने ऑब्जेक्ट ये निडल रख दिया, निडल इज द ऑब्जेक्ट, इससे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई, एवरीबॉडी नोज कि ये डाइवर्ज करता है लेंस। डाइवर्ज करता है तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की वजह से ये दोनों ऑब्जर्वर सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही है ये एक ही ऑब्जर्वर की दो पोजिशन। तो यहां पर फोकस बना बटे, गॉट इट? यस और नो बोलो बच्चे। फोकस इस इधर बना और हमसे पूछा थी फोकस इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ना। अपोजिट कहां हुआ? जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा उधर ही तो फोकस बना, यस और नो? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन बताओ? ए ऑप्शन। तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पर है और फोकस भी लेफ्ट साइड पर, फोकस भी लेफ्ट साइड पर, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पर, तो इसका 3rd का ए ऑप्शन बन गया। पूरे कॉम्बिनेशन का नहीं देखना, उसने पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करे -3 डायोप्टर वाले लेंस का देखना। ओके, नेक्स्ट इज योर 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द टू लेंसेज कैन मेक ए रियल इमेज। रियल इमेज कैसे बनते है बेटे? जब हमें लाइन्स को ऐसे एक्सटेंड ना करना पड़े और जहां पर इमेज बने वहां दोनों की दोनों या तीनों जितनी भी रेस पहुंचे वो रियल पहुंचे। तो हम देखते हैं, देखो कन्वेक्स लेंस में, देखो कन्वेक्स लेंस में टीचर ने आपको क्या सिखाया हुआ है, गौर से देखो। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर बेटे, क्या रूल्स होते हैं ध्यान से सुनो। ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, पहले मैं दोनों तरफ फोकस लगा दू, बराबर की दूरी पर लगा दो, इधर और इधर, ये हमारे दोनों फोकस हो गए बच्चे। और फोकस के से डबल करके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर भी हम डबल करके सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा। अब रूल नंबर 1 याद रखो, आपको जरूर बताया होगा कि अगर पैरेलल लाइट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
पक्का फोकस में से गुजरती है। ये लो फिर, ये देखो पैरेलल कैसे पता लगा, प्रिंसिपल एक्सिस से बराबर की दूरी रहती है हर जगह पर। इसका मतलब दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से गुजरनी चाहिए आफ्टर लेंस? फोकस में से। तो देखो ये रियल लाइट जा अभी तक जा रही है, रियल रे ऑफ लाइट, मैंने कहीं भी एक्सटेंड नहीं करा। और दूसरा क्या होता है, देखो पैरेलल वाली कहां से जाएगी, लेंस के निकलने के बाद, फोकस में से। और रिवर्स भी ट्रू है, जो पहले ही फोकस में से जा रही है वो लेंस के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लो फिर, ये लो, ये गई यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी बेटे। गॉट इट? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां हुआ बच्चे, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है वहां पर आपने इमेज बना देना है। और ये इमेज इन्वर्टेड बन गया। कैसे पता लगा ये रियल इमेज है? क्योंकि जो भी रेज वहां पर कट कर रही है उन दोनों में से एक भी रे एक्सटेंडेड रे नहीं है, डॉटेड वाली नहीं है। ठीक है, ये रियल रेज होती हैं। रियल रेज जहां पर कट करें तो रियल इमेज बनता है। कोई बच्चा कहता है सर रियल इमेज का वर्चुअल इमेज कैसे, बेसिक फर्क क्या है? वेरी सिंपल, अगर मैं यहाँ पर हाथ रख दूंगा स्क्रीन के रूप में तो मेरे हाथ पर यह इमेज बन जाएगा। रियल इमेज टच किया जा सकता है, इसको फोटोग्राफिक फिल्म पे डेवलप किया जा सकता है। जो वर्चुअल इमेज है ना उसको सिर्फ देखा जा सकता है, उसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते, ना ही उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे डेवलप कर सकते। ओके, ये इसका मीनिंग होता है बेटे। सो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर होती है बच्चे इसकी। तो पॉजिटिव पावर वाला कौन सा होएगा? नीचे लिख रखा है ओनली द लेंस विद पावर 4D। इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन की ऑप्शन डी बनी। समझ आया बेटे? सो टीचर आपसे पूछने लगा, आपने बिल्कुल सही हाथ खड़ा करना है, प्रॉपर इंडिकेशन देनी है। देखो कोई सुस्त ना बैठा हो बच्चा। Have you understood these 15, 16, 17 questions? Please raise the proper hand. Please raise the proper hand. बहुत ही बढ़िया, गुड रेस्पॉन्स। देखो मुड़ के सारी क्लास का क्लियर है बेटे। अब मैं, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर इस पूरे बोर्ड में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके मुताबिक, ये फार्मूला, ये बॉक्स में लिखा हुआ फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम चलते हैं बेटे। हाँ, प्रिज्म आ गया, प्रिज्म के क्वेश्चन आ गए मॉड्यूल सेकंड में। उसके लिए टीचर आपका थोड़ा बेस बनाएगा, चाहे आपको ऑलरेडी कुछ पता है। शाबाश, बी अटेंशन। सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एवरीबॉडी, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो बेटे ध्यान से देखो, शाबाश। अच्छे से अच्छे बच्चे को सारे पॉइंट नहीं पता आएंगे, आई प्रॉमिस इट, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से देखो। ये प्रिज्म है और आपको पता होना चाहिए प्रिज्म खुद क्या है बेटे। अगर कोई पूछ ले आपसे, आप बोलोगे दो ट्रायंगुलर फेसेस और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस, ये वाला उधर नीचे बेस वाला, और दो ट्रायंगुलर फेसेस और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस, जब का जो क्लोज्ड सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होएगा। तीन खूबियां भी बतानी है, क्लोज्ड सारी तरफ से बंद, सॉलिड अंदर से भरा हुआ है, खोखला नहीं है अंदर से, और ट्रांसपेरेंट, ये तीन खूबियां जिसमें होएंगी वो प्रिज्म है। दो ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। ठीक है, ये प्रिज्म का डेफिनेशन है। जरूरी नहीं है ये कांच का बना हो, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हो सकता है। अब देखो बच्चे इधर, मेरे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। और याद रहे हम क्या पढ़ने लगे हैं, डिस्पर्शन नहीं पढ़ने लगे, हम पढ़ने लगे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म।
उसका रे डायग्राम बनेगा। रिफ्रैक्शन पढ़ने लगे हैं अभी, रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं समझाऊंगा अभी आप। सबसे पहली बात, फर्स्ट इंडिकेशन, जब आपने रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो ये सोर्स ऑफ लाइट जो भी बल्ब है या कुछ है, ये शुड नॉट बी वाइट, वाइट नहीं होना चाहिए, और कोई भी कलर हो सकता है, एनी कलर, ब्लू ग्रीन रेड वट एवर, ठीक है। वैसे रेड से इसके रिजल्ट निकालने में एक्यूरेसी मैक्सिमम मिलती है, ओके। सो ये देखो, सोर्स ऑफ लाइट ने प्रिज्म के एज पर एक इंसिडेंट रे फेंकी, इंसिडेंट रे, शाबाश। जैसे इंसिडेंट रे यहां पर फेंकी तो इसको बोलते हैं एज नंबर वन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म बेटा। और ये जो ऊपर एंगल आ गया इसको कैपिटल ए से लिखते हैं, क्या नाम होएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, शाबाश। सभी बच्चों को पता है कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को मेंटेन करती हुई, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करती हुई इधर पहुंच जाएगी। यानी जिस बंदे को साइंस की नॉलेज नहीं है वो तो अभी भी सोचेगा रे ऑफ लाइट ऐसे ही आएगी, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन जिसमें इंसिडेंट लाइट फेंकी गई थी, ये डॉटेड दिखा दी। लेकिन जैसे ही ये लाइट पी पॉइंट पर गिरेगी और ये जा रही है उस वक्त हवा में से किसी डेंसर मीडियम में, रेयर टू डेंसर, और यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया बच्चे। नॉर्मल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए एज के ऊपर, ठीक है, नॉर्मल फर्स्ट। एक और भी बनाना पड़ेगा। देखिए क्लास में से कौन सा बच्चा मेरे को बताता है इस एंगल को क्या बोलते हैं, ध्यान से देख लेना मैंने कहा मेंशन कर। पांच क्लासें और लगभग अगर एक क्लास में 30 बच्चे भी हों, ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से, तो 150 स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग द नेम ऑफ दिस एंगल, शाबाश। एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, रॉन्ग है बेटे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, हमेशा हमेशा याद रखना। इस डबली एंगल को क्या बोलते हैं, एनीबॉडी? देखो मैंने कहा था कुछ ना कुछ आपको नया जरूर पता लगेगा बेटे। इसको बोलते हैं हमेशा एंगल ऑफ ग्लास, इंसिडेंट रेट और एज पे, ठीक है। जी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लास, ओके। और याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, ओके। अब ये रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म में एंटर करी तो आपको पता है रेयर से डेंसर लाइट में जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, तो ये हमारा नॉर्मल था, इसकी तरफ असली डायरेक्शन को छोड़ के इसकी तरफ झुक जाएगी। देखो यहां से हटके यहाँ को आ गई, नीचे को, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा बेटे, गॉट इट। अब ये लाइट यहाँ पर टकराई, अब क्या जा रही है, ये डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो यहां पर हम फिर से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, राइट, ये नॉर्मल नंबर टू, गॉट इट, यस। तो अगर ये लाइट ने सीधा निकलना होता तो ऐसे जाती, पर अब ये डेंसर से रेयर गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो असली डायरेक्शन तो ये थी, इसको छोड़ देगी ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इधर को चलेगी बेटे। इस रे का नाम होता है इमरजेंट रे, राइट। और ये क्या था, नॉर्मल, कैसे पता लगा, 90 डिग्री एंगल बनाओ, राइट। इस एंगल को क्या बोलते हैं जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया, आर वन, इसको क्या बोलते हैं बेटे, आर टू। आर वन और आर टू को दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है
angles of refraction, angles of refraction, ठीक है। अच्छा ये इस एंगल को क्या बोलेंगे, लाइट जा रही थी ओरिजिनली इस तरफ और फिर चलेगी इस तरफ, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एनीबॉडी? एंगल ऑफ डेविएशन। बिल्कुल सही, इस बार सही है बच्चे, डेल्टा से लिख दो या स्मॉल डी से भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन एक एंगल अभी मैंने और पूछना अपने बच्चों से, इस एंगल को क्या बोलते हैं जिसको टीचर ने ट्रिपली मेंशन कर दिया? एंगल नॉर्मल। ऑफ इमर्जेंस। बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही। ई का मतलब हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये प्रिज्म का रे डायग्राम है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ खास जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। एक तो यही नहीं पता होता बच्चों को कि जब भी रिफ्रैक्शन पढ़नी है तो व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए, कोई भी और कलर। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अब इस बल्ब को अगर मैं ऊपर नीचे करता हूं, ऐसे स्लाइड करता हूं बेटे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज होती है। ऐसा देखा गया, आई के चेंज होने से डेल्टा भी चेंज होता है, और जब इन दोनों में ग्राफ ड्रा किया जाता है तो ऐसा आता है ग्राफ। देखो इधर मैंने आई ले लिया, आई को चेंज करने से डेल्टा में क्या इफेक्ट आता है, जब पहले आई बढ़ता है, आई बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस बल्ब को नीचे को लाना पड़ेगा, तो आई बढ़ता जाएगा, तो आई के बढ़ने से डेल्टा कम होता है, याद रहे। फिर डेल्टा एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंच जाता है जो कि जीरो नहीं होती, जीरो से ज्यादा होती। फिर उसके बाद भी अगर आई बढ़ता है तो डेल्टा अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है, इस तरह का लूप का ग्राफ होता है, याद रखना ये वाले ग्राफ की शेप। ओके, जिसको नहीं पता बना लेना चाहिए। दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? इतना याद होना चाहिए, बहुत अच्छा। और क्या याद होना चाहिए, ध्यान से सुनो। एक ये याद होना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस के टोटल के बराबर होता है, नोट कर लो, शाबाश। एक ये याद रखना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म में अगर एंगल ऑफ डेविएशन ऐड कर दें ए में डेल्टा, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है, याद कर लो। अगर इस प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना हो, किस मटेरियल का बना हुआ है, तो उसका एक फॉर्मूला है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर वन। उसी म्यू को निकालने का एक तरीका और भी है, साइन ई डिवाइडेड बाय साइन आर टू, करेक्ट। और एक बात याद रखना, ऐसा देखा गया, ध्यान से सुनो, जब ये ग्राफ बिल्कुल बॉटम पे आ गया तब उसके सामने डेल्टा की वैल्यू नोट कर लो, उससे नीचे डेल्टा हो नहीं पाता, ये डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम कही जाती है। तो याद रखना एक चीज नोट करी गई, एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम वैल्यू, जब डेल्टा की डेल्टा मिनिमम वैल्यू करी गई देन इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड। दो बातें नोट करी गई, कौन सी बेटे? पहली तो ये ऑब्जर्व करी गई, आर वन इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू ए बाय टू, ये नोट करी गई, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ के बराबर हो जाती है। दूसरी ये नोट करेगी, आई इज इक्वल टू ई के बराबर, लेकिन इसी पर्टिकुलर शर्त पर। और लास्ट जो फैक्ट आपने नोट करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म को एक तरीके और से भी निकाला जा सकता है, और वो होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम को टोटल करके उनका मीन लेके साइन ले लो, टू से डिवाइड करके, और नीचे साइन ऑफ हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपको 6 रिजल्ट और एक ग्राफ, सात सात चीजें ये बता होनी चाहिए, और रे डायग्राम बनी, नोट कर लो बेटी, शाबाश, जो चीज नहीं पता थी पहले, शाबाश, हरी अप। और एक ये भी नोट कर लेना बेटे, ये वाला देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास इक्वल टू 90 डिग्री, शाबाश।
अब हम साथ के साथ पढ़ लेते हैं। नोटेड। अच्छा बेटे, टीचर आपको जिस जिस बच्चे को कोई भी नई चीज, एक भी चीज नहीं पता लगी, वो अपना हाथ खड़ा करेगा। शाबाश, एक भी नई चीज पता लगी है प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, ऑनेस्टली अगर एक भी नई चीज पता लगी है, सच बोलना अपने दिलों से। अगर छोटी उम्र में झूठ बोलोगे तो फिर पर्सनैलिटी डाउन होगी। एक भी चीज नई पता लगी है तो रेज योर हैंड। टेंथ ए को छोड़कर बाकी सारी क्लासों को नई पता लगी। शाबाश गुड बच्चे। अब टेंथ ए के बच्चों को अंदर से पता होगा कि वेदर दे आर टेलिंग ट्रुथ और नॉट। सो ये था आपका प्रिज्म का रिफ्रैक्शन। टेंथ ए, इसका मतलब पूछता हूं उनसे क्वेश्चन मैजर। अब आगे सुनो बेटे, शाबाश। अगर मैंने प्रिज्म लिया और मैं डिस्पर्शन स्टडी करना चाहता हूं, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है कि प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को उसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में से तोड़ देना। व्हाइट लाइट प्रिज्म पे फेंकूंगा सोर्स से और वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेकअप कर जाएगी, तो इस प्रोसेस को डिस्पर्शन बोलते हैं। इसके लिए मस्ट है कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट जो है वो 100% व्हाइट ही होना चाहिए, जैसे सनलाइट होती है। तो बेटे ये प्रिज्म यहां टकराया, प्रिज्म से इंसिडेंट रे, इंसिडेंट प्रिज्म के एज पर इंसिडेंट रे टकराई। व्हाइट रे लिखना जरूरी है इसको। अब कोई बच्चा मेरे को कहता है सर जैसे आपने पिछला एक्सपेरिमेंट करा वैसे ही व्हाइट रे क्यों नहीं बिहेव करती। तो ध्यान से सुनो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था काची। ध्यान से सुनना ये बड़ी बात। उस साइंटिस्ट ने बोला कि किसी भी कलर के लिए जो वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड होता है और उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ए और बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनकी वैल्यू पे आपको ध्यान नहीं देना। और लैम्डा की पावर 0, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहां पर लैम्डा का स्क्वायर दिया हुआ है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस फार्मूले को गौर से देख के पता लगता है कि लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा है और म्यू न्यूमरेटर में आ रहा है। तो पक्की बात है अगर वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होएगा बेटे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उतना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, और जितना रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, पिछले आर्टिकल में करा हमने, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होता है। ये पॉइंट आ गया, किससे पता लगा, ये काची फार्मूला से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो विबग्योर करके सेक्शंस होते हैं 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें से रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है बच्चे। इस तरफ को जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज करता है। गॉट इट? यस बेटे, बोलो हाँ या ना। और इस तरफ को आते हुए फ्रीक्वेंसी, तो चलो हमें रेड का वेवलेंथ हो गया तो वायलेट का मिनिमम हो गया। इसका मतलब रेड कलर का, ध्यान से सुनना, रेड कलर का वेवलेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम। तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होएगा रेड कलर के लिए, अपोजिट होता है देखो, मिनिमम। तो रेड कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होएगा वो भी क्या होएगा, मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आ जाओ फिर। तो एक तरह से यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 7 कलर टकराए, 7 कलर टकराए तो क्या होएगा आगे बच्चे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी करा था, तो यहां से हमने यह माना कि 7 कलर की लाइट एंटर कर रही है प्रिज्म में। तो सबसे ज्यादा किसमें एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा, वायलेट में होएगा। अपोजिट केस देखो,
तो मैंने यहां से ऐसे मोड़ा, फिर यहां से ऐसे मोड़ दिया, और ये रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन ये था। तो ओरिजिनल डायरेक्शन से जो सबसे ज्यादा एंगल से मुड़ गई उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया फिर? वायलेट। अब सबसे कम कौन सा होएगा? रेड कलर का, अभी पढ़ के आए। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास कौन सा चला गया इधर? रेड कलर। तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। ठीक है, तो मीडियम्स में जो स्पीड होती है वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होती है। तो बाकी के कलर जो बीच में आ जाएंगे बच्चे, शाबाश। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम दूर बना देते हैं एंगल को, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। वायलेट, यस। सो ये कौन सा कलर था बेटे? वायलेट। बाकी के सारे कलर आ जाएंगे। नीचे से ऊपर को स्पेलिंग लिखनी। इस तरह से व्हाइट रे ऑफ लाइट का सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाना, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। गॉट इट? अगर ये व्हाइट लाइट जो सोर्स है, देखो सोर्स, इस सोर्स को मैं रिप्लेस कर दूं किस से? सन से। सन से रिप्लेस कर दूं बेटे, राइट? ओके। प्रिज्म को किस से रिप्लेस कर दूं? प्रिज्म को, प्रिज्म को मैं रिप्लेस कर दूं हवा में लटकी हुई रेन ड्रॉपलेट से। प्रिज्म को किस से रिप्लेस कर दूं? हवा में लटकी हुई रेन ड्रॉप्स से। ओके, तब भी ये सातों कलर टूटे हुए दिखेंगे, पर फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोसेस को तो डिस्पर्शन बोलते हैं, और उसके बाद जो व्हाइट कागज के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ये सेवन कलर पैटर्न मिल जाएगा, सेवन कलर पैटर्न लेबोरेटरी के अंदर, इसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। लेकिन जब सन और रेन ड्रॉप्स की बात होगी तो स्पेक्ट्रम को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? कोई बच्चा बता सकता है वो पर्टिकुलर वर्ड? सेवन कलर्ड ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन द स्काई स्क्रीन, रेनबो। बच्चे रेनबो बोलेंगे फिर हम उसको। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास डिस्पर्शन। ठीक है, मॉड्यूल सेकंड की असाइनमेंट पे आओ, फटाफट हो जाएगी अब। शाबाश, 18th क्वेश्चन का बेटे जल्दी करो। 18th क्वेश्चन, द इमेज बिलो डेपिक्ट्स डेपिक्ट्स लाइट बीइंग स्प्लिट बाय द प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर्स। दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय न्यूटन। व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? ऑब्जर्वेशन, तो नेचुरली ये क्या बताती है बच्चे हमें? क्या बताती है? कौन सी, किस चीज को समझने में मदद करती है? रेनबो को। ठीक है, रेनबो को स्टडी करने में मदद करती है। 18th का सी ऑप्शन हुआ। लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन को ये बच्चा मेरे को बताएगा 10th क्लास में, परमिंदर। परमिंदर आप ए हो 10th ए में? 10th ए में परमिंदर एबसेंट बच्चे, कोई बात नहीं। 10th डी में अभिलाषा, 10th डी में अभिलाषा बेटे, प्लीज कम ऑन द माइक। नहीं बोल रहा बच्चा। चलो 19th क्वेश्चन देखो। पाथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, बस जो इससे मैच करेगी। देखो ये सारी पहले तो प्रिज्म के बेस की तरफ जानी चाहिए, और व्हाइट लाइट फेंकेंगे तो ये वायलेट और ये रेड आनी चाहिए। देखते हैं कौन सी सही है। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? पी क्यू आर एस। पी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। 19th का ए ऑप्शन हो गया बच्चे। 20th क्वेश्चन, स्टडी द रे डायग्राम। इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय। चलो बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा 20th क्वेश्चन में? बोलो इसके साथ, पिछले वाले फिगर के साथ कंपेयर करो जो बनाया था। वाई, शाबाश। वाई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होएगा, बिल्कुल सही। तो मेरे को एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ। क्यू बेटे, क्यों नहीं? अच्छा इधर को आ रही है, सॉरी, नहीं तो लाइट ही उल्टी डाली हुई है। एरो देखो बेटे, एरो गलत हो गया, ये तो उल्टी आ रही है। लाइट का एरो देखो,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पी हो गया बच्चे पी। एरो पे भी तो ख्याल रखना है, प्रिज्म के ऊपर लाइट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ फेंकी हुई है, आर यू गेटिंग? तो एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस पी हुआ और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हुआ? वाई हुआ बच्चे वाई। तो तीसरा है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा हुआ? जेड, जेड हो गया बच्चे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सी ऑप्शन बन गया मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही। 20th क्वेश्चन का सी ऑप्शन बन गया। ओके 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स विल अलाउ ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म टू इमर्ज आउट ऑफ द सेकंड प्रिज्म एज द व्हाइट लाइट? देखो बेटे ये हमेशा याद रखना, जब हम एक प्रिज्म को ऐसे रख दें और दूसरे को अपसाइड डाउन ऐसे रख दें और उनके एंगल ऑफ प्रिज्म्स को अगर वो ए और ए डैश है उनको बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है, तब रे ऑफ लाइट यहां जाती है, इसमें सेवन कलर्स में टूटती है, पर वो दूसरे प्रिज्म में गिरती है, वहां से ये सेवन कलर दोबारा मिक्स हो जाते हैं और व्हाइट लाइट ही वापिस आ जाती है, व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट। ठीक है, इस तरह से दो प्रिज्म अरेंज करने पड़ते हैं। बोर्ड पे देखो, सो आप क्या कहोगे? यूज टू प्रिज्म्स, वन अपराइट एंड अदर इन्वर्टेड। पहले वाले प्रिज्म को अपराइट, दूसरा उल्टा कर दिया तो इन्वर्टेड हो गया बच्चे। शाबाश, हाँ, प्लेस द प्रिज्म साइडवाइज विद ना, ये भी सी भी गलत। प्लेस द प्रिज्म एंड टू एंड, ये भी गलत। प्लेस द प्रिज्म ए ऑप्शन, ये भी गलत। तो बी ऑप्शन सही हो गया बेटे। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो गया, राइट। 22nd क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, बोलो बेटे कौन से मीडियम से किधर आनी चाहिए? ये आर्टिकल मैंने आपको कराया नहीं है TIR, ये आपने बताना है, बताओ। शाबाश, एनीबॉडी? TIR क्या होता है बेटे? बोर्ड पे बताओ, माइक पे अगर बताओ, अगर है आप में नॉलेज। बोल ही नहीं रहा कोई भी बच्चा, नहीं बोल रही है ये, डेयरिंग क्यों नहीं है बच्चे बेटे? है ना, ग्रैब द चांस टू आंसर, डेयरिंग क्यों नहीं है आंसर? तो बेटे याद रखना, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो कौन कौन सी बातें कंडीशंस के रूप में आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि रे ऑफ लाइट जो है हमेशा डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश करे। दूसरी कंडीशन है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो चलो इसने क्या बोला, द रेयर टोटल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन, अभी अभी एक बुढ़िया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। केस स्टडी 23 क्वेश्चन, केस स्टडी। इन द गिवन फिगर बिलो, a narrow beam of white light is shown to pass through triangular prism. After passing through the prism, it produces spectrum. Okay? Spectrum produce कर दिया, तो क्या करें फिर? Name the phenomena. Phenomena कौन सी होएगी बेटे? सात कलरों में टूटना, dispersion. Okay? Question 23 की बात कर रहे हैं. State the color at scene Y and X. Y एक्स पे कौन सा कलर होएगा बताएगा कोई बच्चा? एक्स नीचे है और वाई ऊपर है, तो टीचर ने क्या सिखाया? नीचे से ऊपर को स्पेलिंग लिखने हैं विबग्योर के, तो एक्स पे वायलेट होएगा, सही, और वाई पे क्या होएगा बेटे? रेड कलर होएगा। ओके, व्हाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट बेंड एट, हाँ जी बेटे, नेक्स्ट पीरियड है। ओके ओके, ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Why do different colors of white light bend at different angles through the prism? Different angles से क्यों prism करते हैं? क्योंकि सभी सभी की जो speed होती है ना, वो speed सभी colors की एक ही medium में different होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया?
हम सभी को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंडेंट अपॉन स्पीड होता है मीडियम में, ठीक है? कैसे डिपेंडेंट होता है? ये होता है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये फॉर्मूला होता है असली में। और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, ये आपको पेपर में दिया नहीं होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे? तो क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 32-34 तक ये खुद आप करके आओगे, 24 से 34 तो लगभग ये 11 क्वेश्चन हो गए, ये आप करके आओगे। और अगली बार हम थोड़ी सी थ्योरी करके इस पूरी असाइनमेंट को खत्म करना चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? सो जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया बेटे, प्लीज गिव द इंडिकेशन टू द टीचर बाय वेविंग योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, एक सरदार बच्चे को नहीं समझ आया, बाकी सबको समझ आया मोर और लेस, गुड, थैंक यू। Thank you.